कनेडा तो आई कुड़ी भुब्बा मार मार रोई सिद्धू की हवेली पहुँच। सिद्धू मूसेवाला के फैन बहुत ज़्यादा ने ते एक कुड़ी जदों पहुँची हवेली तो भुब्बा मार मार के रोन लगी, क्योंकि जदों ही इन्हें ट्रैक्टर ते जीप देखी तो इसका बहुत बुरा हाल हो गया। अखां दे विच हंजू ते परिवार जिहड़े लगातार सिद्धू की हवेली पहुँचते ने उन्हां दा इको एक सुपना हुंदा है सिद्धू के पिता नूं मिलना। जिस समय सिद्धू के पिता घर दे विचों बाहर जाने लई रवाना हुंदे ने तां वड्डी गिणती दे विच प्रशंसक जिहड़े ने उह एकत्र हो जांदे ने ते सिद्धू के पिता नूं मिलण लई उतावले हो जांदे ने, फोटो खिचाउण लई उतावले हो जांदे ने। इह लड़की कैनेडा तो आई है, कैनेडा के जो हालात दसे तो उत्थे भी यही हाल से। 29 मई को इसने कहा कि साढ़े घर के रोटी नहीं पक्की। जदों पता लग्या कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया के नहीं, पर एक बार सानू लग्या भी यह किसी ने मजाक किया, पर जिस समय यह पता लगता कि यह सच है तो पूरे कैनेडा के सोग की लहर छा जाती है। जिहड़े भी पंजाबी गोरे सिद्धू नूं पसंद करन वाले हुंदे ने वो अपने स्टेटस लगाउंदे ने, अपना दुख जाहर करदे ने, वीडियोज़ बनाउंदे ने, तां उहनां दे विच सिद्धू मूसेवाला दा प्यार झलकदा सी। इस लड़की ने यह भी दस्सिया कि इको एक हीरा बंदा सी पंजाब दा जिसने देशां विदेशां विच धक्क पाई सी ते पंजाबीयत नूं देशां विदेशां विच फैलाया सी। इसने यह भी दस्सिया कि मैं सिर्फ पंजाब सिद्धू मूसेवाला दे पिंड ही आई हाँ, क्योंकि मैं उत्थे जॉब करदी हाँ ते मैं कदे भी पंजाब नहीं सी आई। पर जिस दिन ये पता लग गया कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया तो चला गया, असी गीत बहुत सुनते सी, पर जिस समय खबर सुनी तो यह लग्या कि एक बार माता पिता नूं मिल के उन्हां दा दुख बनाउणा बनता है, क्योंकि उन्हां दा दुख बहुत ज़्यादा है। असी घटा तो नहीं सकते पर उन्हां दे नाल मिल के वह दुख साझा कर सकते हैं। उत्थे ही इस लड़की ने भी दस्सिया कि कैनेडा दे विच अक्सर सिद्धू दे शो हुंदे सी ते सब तो वड्डी गिणती जिहड़ी गोरियां दी हुंदी सी, क्योंकि सिद्धू नूं कोई स्पैशल बंदा नहीं, सारे सगों प्यार नाल सुणदे सी, क्योंकि इंस्पिरेशनल पावर सिद्धू दी गीतां दे विच हुंदी सी। इसने भी दस्सिया कि इको एक हीरा जिहड़ा असी गवा लिया वह कदे भी मुड़ के नहीं आएगा। उत्थे इस लड़की दे भावक बोल सी कि अज वह हवेली टी शर्ट पहन के पहुंची है जो सिद्धू मूसेवाले का लोगो लग्या ते नाम लिखे। इसने भी दस्या कि मेरा मन उस समय उदास होया जदों मैं पिंड पहुंची सी, पिंड दे विच लोकां नूं देख के लोकां दा हड़ देख के अखां भर आई। उत्थे ही इसने कहा कि सिद्धू मूसेवाला दे पिता नूं मिल के जो फीलिंग महसूस हुंदी है कि जिवें सिद्धू मूसेवाले नूं मिल ले हुई है। तो इस तरीके दे फैन जिहड़े ने वख वखरे तरीके दे नाल सिद्धू मूसेवाला दी हवेली पहुँचते हैं तो अपना दुख बयान करते हैं तो वह गल्लां दसदे ने जो देशां विदेशां दे विच उस समय वापरियां जिस समय सिद्धू मूसेवाला दे उपर हमला हुंदा ते सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया तो चला जांदा है। रो रो के दुख बयान करदे ओ लोक एवें नहीं रोंदे जदों कोई हीरा इस दुनिया नूं अलविदा कह दिंदा है तां लोकां दे अपने आप हंजू निकलदे ने। इह प्यार है सिद्धू मूसेवाला दे लई जिहड़ा देशां विदेशां चों प्रशंसकां नूं सिद्धू दी हवेली खिच लिआउंदा है। ये तस्वीरां तुसीं लगातार देख रहे हो जिस दे विच भारी भरकम इकट्ठ बयान करदा है कि सिद्धू दी फैन फॉलोइंग किन्नी सीगी ते सिद्धू किन्ना बुलंदियां नूं छू के अपने पिंड दे विच बैठा सी। हालांकि सिद्धू यूके दे विच पीआर सी, फिर भी सिद्धू ने अपने पिंड आना मुनासिब समझे, अपने लोगों के नाल रहना मुनासिब समझिया, क्योंकि वह मिट्टी नाल जुड़िया होया सी ते मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद सी, खेतीबाड़ी खून दे विच सी। सिद्धू दे जिन्ने भी साधन घर दे विच खड़े ने तो उन्होंने विच सब तो ज़्यादा साधन खेती नाल संबंधित ने, क्योंकि अक्सर ही सोशल मीडिया के उपर सिद्धू दियां वीडियोज़ ट्रैक्टर के उपर देखिया जांदियां सी। खेतों के काम करता वो सिद्धू जो किसी तो बर्दाश्त नहीं होया। उत्थे ही इस लड़की ने भी दस्या कि सिद्धू मूसेवाला वो हीरा है जिसनू मुकाउण की कोशिश की गई पर वह मुकया नहीं, वह अमर हो गया। सिद्धू दे अपने गीतां दियां बयान कीतियां वह गल्लां अज सच हो गई ने। टाली वाले खेत दे विच सिवा है ते होर कुछ की कहा इस लड़की ने वह भी सुनो। एक वधिया लगता जी सानू एक एक बंदा ही जिंदगी जिन्हू सुन के ना मोटिवेशन मिलती सी, देखता सीगा कि हाँ कितों उठ के बजाय कितों तक आया है, पर मतलब कुछ है ही नहीं ना बोलने वास्ते ना देखने वास्ते। किन्ने चिर तो फॉलो करते सिद्धू
ਭਾਅ ਜੀ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2017 ਤੋਂ ਤੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਖੋ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਅ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ? ਭਾਅ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਲਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ।